एग्जाम का प्रेशर किस तरीके से हैंडल किया? मैम एग्जाम का प्रेशर तो हर बंदे को आता है, मेरे को भी आया था, लेकिन मैंने कंप्यूटर्स का टेस्ट सीरीज दिया था, मैंने 69 करीब टेस्ट सीरीज दिया, तो उससे मेरा बहुत ही मतलब अनुभव रहा। मतलब टेस्ट सीरीज में मतलब रैंक तो बहुत मतलब कभी कभी होता था, क्या कभी दुख भी होता था, कभी मतलब अच्छी रैंक आई कभी कभी खुशी भी होती थी, लेकिन सबसे बड़ा योगदान मैं सर सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि सर सर ने हमें बहुत सारा गाइडेंस दिया है। उसने सबसे बड़ी बात है कि उसने एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से दिया है, जिससे EHMI तक जा सके। और मतलब सर सर ने एक ही चीज़ बोला था कि बेटा रैंक मैटर नहीं करता, रैंक चाहे जो भी हो उससे मैटर नहीं करता, उसका एनालिसिस जरूरी है। तुमसे 40 मान लो कि मैथ में 50 क्वेश्चन है, तुमसे 30 बने तो कोई दिक्कत नहीं, तुम 30 बना लो, परंतु जो 20 के लिए तुम बाद में कितना टाइम दे रहे हो वो मैटर करता है, क्योंकि तुमसे जो टॉपर है वो तो 50 में से 40 बना रहे हैं, तुम उसके लेवल तक कब जाओगे? अभी तो तुम नहीं जा पाओगे, अभी तो 30 ही बना रहे हो, लेकिन तुम्हारे एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए तुम उस लेवल पे पहुंचे। और उसी से मैं मोटिवेट हुआ और एनालिसिस में प्रॉपर किया। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।